बिजली के तार पर बैठे हुए इस छोटे से पक्षी या चिड़िया को देखकर आपके दिमाग में कभी न कभी ये ख्याल जरूर आया होगा कि इन पक्षियों को बिजली का झटका क्यों नहीं लगता है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको बिजली के काम करने का तरीका समझना होगा, जिसकी वजह से पक्षियों को करंट नहीं लगता है। इस वजह से नहीं लगता है करंट। आमतौर पर एक इंसान को कम वोल्ट का बिजली का झटका काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, जिसकी वजह से आम लोग बिजली की तार छूने से परहेज करते हैं। लेकिन बड़े शहरों से लेकर छोटे गांव और कस्बों में बिजली की तारों में हर वक्त तेज करंट दौड़ता रहता है, जो 440 से लेकर 11,000 या 33,000 वोल्ट तक की क्षमता वाला होता है। इन तारों को छूने से पहले कोई भी बिजली कर्मी तमाम तरह की सुरक्षा तकनीक को अपनाता है। हालांकि जब बात छोटे पक्षियों की आती है तो ये पूरा मामला उल्टा पड़ जाता है। चिड़िया या छोटे पक्षियों का पूरा झुंड एक साथ बिजली की तार पर बैठ जाता है और ये पक्षी घंटों तक उसी पर रहते हैं, हालांकि इसके बावजूद भी उन्हें बिजली का करंट नहीं लगता है। ऐसा नहीं है कि पक्षियों की बॉडी करंट प्रूफ होती है, बल्कि वो इस करंट की चपेट में इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि वो सिर्फ एक तार पर बैठे होते हैं। बिजली का बुनियादी सिद्धांत कहता है कि करंट पास होने के लिए दो मुख्य तारों का इस्तेमाल होता है, जिसमें माइनस और प्लस तार होती है। इसके अलावा एक तीसरी तार भी होती है जो अर्थिंग का काम करती है। जब तक माइनस और प्लस तार एक साथ नहीं जुड़ती हैं, तब तक तार में करंट पास नहीं होगा और उसे छूने से किसी भी तरह का झटका नहीं लग सकता है। किसी भी तार के जरिए करंट को पास होने के लिए एक सर्किट को पूरा करना होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन तभी आगे बढ़ते हैं जब माइनस और प्लस दोनों तार एक दूसरे के संपर्क में आती हैं। जब कोई पक्षी बिजली की तार पर बैठता है तो वो तार माइनस या प्लस की हो सकती है। उस तार के अंदर से गुजर रहे इलेक्ट्रॉन दूसरी तार के संपर्क में नहीं आते हैं, जिसकी वजह से सर्किट पूरा नहीं होता है और इसी वजह से पक्षियों को करंट नहीं लगता है। अगर कोई पक्षी दोनों तारों पर एक साथ पैर रखकर बैठ जाता है या फिर उसकी बॉडी का कोई दूसरा हिस्सा अन्य तार को छू लेता है, तो उस स्थिति में अर्थिंग और सर्किट पूरा होने की वजह से पक्षी को करंट लग सकता है। लेकिन चिड़िया और छोटे पक्षियों के पैर या पंख बहुत ही छोटे होते हैं, जिसकी वजह से वो किसी एक ही तार पर बैठ सकते हैं या उसके संपर्क में आते हैं। पक्षियों को बिजली का करंट ना लगने की एक वजह ये भी है कि उनके शरीर की कोशिकाएं और ऊतक इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने में अवरोध पैदा करते हैं, जिसकी वजह से पक्षियों को आसानी से करंट नहीं लगता है। हालांकि बाज, चील और चमगादड़ जैसे पक्षी अक्सर बिजली की तार पर बैठने पर मर जाते हैं क्योंकि उन्हें आसानी से झटका लग जाता है। इसकी पहली वजह यह है कि बड़े आकार के पक्षी आसानी से माइनस और प्लस वाली दोनों तारों के संपर्क में आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो झटका खाकर जमीन पर गिर जाते हैं। वहीं चमगादड़ जैसा जीव, जिसे उल्टा लटकने की आदत होती है, वो अक्सर अपने पैरों से बिजली की दोनों तारों को पकड़ लेता है और इस वजह से उसे तेज झटका लगता है। चमगादड़ का शरीर बिजली के झटके को आसानी से झेल नहीं पाता, इसलिए इन तारों के करीब जाने पर अक्सर चमगादड़ मर जाते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि बिजली की तार पर बैठे पक्षियों को करंट क्यों नहीं लगता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।